आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक स्टॉक के बारे में। ओवरऑल इसके वॉल्यूम देखेंगे तो अराउंड 1,55,00,000 के आसपास का वॉल्यूम है, और इस स्टॉक में डिलीवरी देखेंगे तो अराउंड डिलीवरी 30% तक की बाइंग होते हुए दिख रही है। बहुत सारे लोगों का क्वेरी है जो ऊपर के प्राइस पे इस स्टॉक में फंस चुके हैं कि सर इस समय क्या करना चाहिए, होल्ड करूं या एग्जिट कर लूं। टेक्निकली देखेंगे तो ये अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के प्राइस पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है, जहां रिस्क बहुत मिनिमम और रिवार्ड काफी ह्यूज दिखता है, जिस प्रकार से क्वार्टरली रिजल्ट हमने देखा था। इस लेवल को इस स्टॉक ने कोरोना में ही ब्रेक किया था, जब 2020 के आसपास का कोरोना आया था, उसके बाद अगेन इस स्टॉक ने जब उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे 18 तक के प्राइस को टच किया, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, और उसके बाद स्टॉक में वन साइडेड अप ट्रेंड 18 रुपये के प्राइस से स्टॉक ने अराउंड 250% का रिटर्न दिया, 67 के प्राइस को टच किया, जो कि मेजर रेजिस्टेंस है अगर चार्ट के माध्यम से आप देखेंगे तो। अगेन उसके बाद कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में रहा है, और पर्सनली मेरा मानना है कि वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर इस स्टॉक को इग्नोर करें, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म यानी विद इन 5 to 6 मंथ के लिए इस स्टॉक में आप बाइंग करना चाहते हैं तो श्योरली 40% तक का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म में श्योरली इस स्टॉक का जो टारगेट है अगेन 68 तक के रेजिस्टेंस को अगेन ब्रेकआउट करके 100 तक के टारगेट विद इन 2 ईयर टू 3 ईयर के ड्यूरेशन में इस स्टॉक में दिख सकता है। शॉर्ट टर्म बाइंग